हर घर तिरंगा अभियान एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर जिला भाजपा कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर हमने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय भाटी जी से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय भाटी जी। विजय भाटी जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं आजकल, कल भी कार्यक्रम हुआ, तो क्या कहेंगे, क्या कार्यक्रम है और क्या तैयारियां हैं? आज आपके कार्यालय पर एक बड़ी मीटिंग भी हुई है कार्यकर्ताओं के साथ। देखिए, कार्यक्रम तो हमारे हमेशा चलते रहते हैं। माननीय योगी जी और मोदी जी के आदेश अनुसार, और हमारे संगठन मंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोगों का जो आदेश होता है हम वो कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी हमारा वृक्षारोपण चल रहा है और घर घर तिरंगा का चलेगा, मेरी माटी मेरा देश का चल रहा है, और एक वो चल रहा है अभी संपर्क के समर्थन भी चल रहा है। बहुत सारे हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं ऐसे ही, और ये चलते रहते हैं रोजाना। हमारा कभी ऐसा नहीं होता कार्यक्रम नहीं है, रोजाना बैठकें चलती रहती हैं, मीटिंग होती रहती हैं, वर्चुअल बैठकें चलती हैं। तो सबका हमारा एक ही मतलब है कि देश में प्रधानमंत्री जी को लाना और अपनी दोबारा सरकार बनानी, हमारे मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, योगी जी के हाथ मजबूत करने हैं। हमें जो संगठन का आदेश होगा हम उसे करेंगे, जो भी संगठन कहता है उसका पूरा पालन करते हैं। धन्यवाद। आज की जो बैठक हुई है वो किस सिलसिले में हुई? आज जो बैठक हुई है हमारे आगामी कार्यक्रम जितने मैंने बताए हैं उसी विषय पे थी। सभी मंडल अध्यक्ष बुलाए थे, उसमें जिला पदाधिकारी बुलाए थे, हमने मोर्चों के अध्यक्ष बुलाए थे, प्रकोष्ठों के संयोजक और इन कार्यक्रमों के संयोजक, जिला संयोजक, मंडल संयोजक, ये सब लोगों को बुलाया गया था और उनको उनके कार्यक्रमों के बारे में समझाया, पूरी तरह से उनको समझा दिया गया, वो अपना कार्य करेंगे। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी हैं, आपने देखा होगा कितनी योजनाएं चलाई हैं उन्होंने, इन योजनाओं को नीचे तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक करते हैं और योजना बना के उनको सिरे तक पहुँचाते हैं, नीचे तक पहुँचाते हैं। जैसे हमारा बूथ अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष के पास सारी जानकारी होती है, बूथ समिति है उनको सब जानकारी होती है। अब माननीय मोदी जी, योगी जी हमारे इतना काम कर रहे हैं देश प्रदेश के लिए, तो कार्यकर्ता भी उसी में लगे हुए हैं। दूसरा, जो जनता है, ऐसा नहीं है हम ये अपने लिए कर रहे हैं, ये कार्य सारे जनता के लिए कर रहे हैं, गरीबी दूर करने के लिए कर रहे हैं। गरीबी भले ही जल्दी तो ऐसे दूर ना हो, लेकिन कोशिश कर रहे हैं गरीबों को लाभ मिले। हमारा मेन मकसद है जनता को लाभ मिले, गरीबों को लाभ मिले और इसका फायदा जन जन तक पहुंचे। अच्छा अध्यक्ष जी, 2024 के चुनाव के बारे में कहेंगे, क्या कहेंगे आप? 2024 के चुनाव के बारे में क्या कहना, हम ही जीतेंगे, सरकार हमारी बनेगी, काम हम कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी सब कर रहे हैं। आपने देखा होगा कभी किसी ने इतना काम किया क्या? हमारे सांसद विधायक जो है वो यहाँ क्षेत्र में लगे रहते हैं और दूसरे जो है टूर पे घूमते रहते हैं विदेशों में, कोई इंग्लैंड है, कोई जर्मन है, कोई कहीं है। हमारा कभी देखा आपने? हमारे सब लोग लगे हुए हैं चुनाव, हमारे संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, जितने भी हैं राष्ट्र तक ले गए, सारे काम कर रहे हैं। और मोदी जी, योगी जी पता नहीं कितने घंटे सोते हैं, मुझे तो पता ही नहीं उनका सोते हैं कि नहीं सोते, उनके लगातार कार्य चलते रहते हैं, रोजाना चलते रहते हैं। और आपने देखा होगा भूमाभियों पर नकेल कसी है, महिलाओं की सुरक्षा को कितना वो दिया है बल, ऐसे ही सरकार किसी और की थोड़ी आएगी, हमारी आएगी। जनता चाहती है योगी मोदी जी को, सबको, जो जनता का भला करेगा उसी की तो सरकार होगी। साथियों, आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विजय भाटी जी। उनका कहना है कि आज ही नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। सभी का मकसद है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जिताना और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। विजय भाटी जी का कहना है कि सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो नीचे पायदान तक पहुंच रही हैं और सभी को उनका फायदा मिल रहा है।